हर तरफ तबाही के निशान है। देखिए अभी इस वक्त जो है शेलिंग शुरू फिर हो गई है। मलबा बिखरा है, लोग डरे सहमे हैं। पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर बस जिंदा गिर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? हमें 4-5 दिन से हम घर से बेघर हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी को 4 दिन हो गए, लेकिन LOC के इस आखिरी गांव में सन्नाटा पसरा है। डर है कि कहीं फिर मौत का पैगाम लेकर पाकिस्तानी गोला न आ जाए। लोगों की नींद उड़ी हुई है, घर पर गोला जिंदा है, क्या पता कब फट जाए। यह है LOC से सटे उरी गांव का आखिरी गांव कमलकोट। 13 तारीख को यहां अचानक पाकिस्तानी गोले गिरने लगे। इस गोलाबारी में 3 लोगों की मौत भी हो गई, 4 बुरी तरह जख्मी हो गए। कि ये आपको जो मेरा कैमरामैन ये पहाड़ दिखाएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई मोर्टार शेल दागा जाता है, सीज फायर की वायलेशन होती है, उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से होती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है देखते ही देखते खाली हो जाता है। लोग फिर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ चलते हैं। इस घर को देखिए, जहां कभी खुशियां बसती थी वहां अब मलबा बिखरा है। पाकिस्तानी गोले ने घर को तहस नहस कर डाला। शुक्रवार को कमलकोट के इस गांव में अंधाधुंध गोलीबारी हुई सीमा पार से पाकिस्तान से, और इस गांव के 3 लोगों की जान गई, जबकि एक बच्चा जो है उसकी दोनों टांगे जो है उस बमबारी के बीच तबाह हुई है। उनका इलाज श्रीनगर में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज 5 दिन अब बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मोर्टार शेल्स हैं जो घरों के भीतर फंसे हुए हैं। 3:30 बजे का वाकया है, पाकिस्तान की शेलिंग चारों तरफ से मतलब हो रही थी। मैं अपने बच्चों समेत माँ अयाल अंदर किचन में जब घुस गए, तो घुसने के बाद जो ही किचन में हम घुसे तो पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर बस जिंदा गिर गया, फंस गया, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा पूरा इस मकान में छा गया। और उसी अंधेरे में मैंने अपनी और अपने बच्चों की बीवी की जान बचाकर मतलब बाहर निकले। इस मुश्किल घड़ी में सेना के जवान गांव वालों के लिए देवदूत बने हुए हैं। वो गांव में बिखरे जिंदा पाकिस्तानी गोलों को ढूंढ ढूंढ कर निष्क्रिय कर रहे हैं। गांव वालों के टूटे हुए घरों को भी दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक गोला आया सीधा, वो पाया जाकर लगा, वो देखें आप, वो वहाँ लगाए आप इसको, तो वो लगे हैं, वो डिस्पोजल करने के लिए, वो डिस्पोजल कर रहे हैं। कैमरे में आप दिखा सकते हैं जहाँ पर वो आर्मी के लोग जो हैं, जो सिविल जो जाकर डिस्पोजल कर रहे हैं। इस यहाँ पर पहला गोला आकर लगा, इस ये लगने के साथ में दूसरा गोला जो सीधा इधर ही से आया, शू शू करते करते तो इस मकान में लगा। कमलकोट अब भी दहशत में है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कुछ तो गांव छोड़ने का मन तक बना चुके हैं, कुछ बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं रहता है, हम नीचे माले में रहते हैं, कोई उधर माला इसमें कोई नहीं आता है। आजकल तो स्कूल बंद है, कल भी ये खाली रखा, हम घरों में उधर मरते रहे। ये स्कूल के साथ में गिरे हैं, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है सर, वहाँ से जब शलंग होती है पूरी बस्ती में गिरती है सर। हमारे भाई दो बेचारे उधर स्टोर पे थे सर, अचानक गोला लगा उधर ही। 13 नवंबर को पाकिस्तानी हमले का भारत ने इस कदर जवाब दिया कि पाकिस्तान सिहर उठा, लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला है। वो बार बार पिटता है, बार बार मार खाता है, लेकिन अपनी काराना हरकतों से बाज नहीं आता। बीती रात पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा, तंगधार सेक्टर में फिर रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। कमलकोट गांव LOC से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।